तो भाई लोग आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये रिप्लेस करते हैं फोटोज को, जैसे कि आप फोटो देखो और उसके बाद आप ये वाली फोटो देखो तो आपको नजर आ ही गया होगा फर्क। लेकिन मैंने इसके और भी बनाए हैं, जैसे कि ये और ये और ये, ये तो इसके थे। दूसरे फोटो के दिखाता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल है और ये और एक ये, और ये इसके रिप्लेस। आप देख सकते हो कितने रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करके देते हैं। और मजे की बात ये कि बिल्कुल कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, इसमें मैंने बताया था कि आप पिक्स आर्ट के अंदर कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने कपड़ों को या किसी भी चीज को। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत कमाल की वीडियो है। तो इस टाइप की वेबसाइट को फ्री में यूज करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिलती है एआई से रिलेटेड। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले आपको इस ऐप पे आ जाना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कैसे करना है फ्री में तो वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा मैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना है क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब है ही नहीं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा देखो ब्लू कलर में प्लस वाला, ठीक है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करके और अपने एक फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट करूंगा तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू कलर में आप देख रहे हो, उसके बाद आप नीचे ऐड टू टेम्पलेट पे देख रहे हो, लेकिन आपको इनको नहीं छेड़ना है, ठीक है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट फोटो का, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड रिमूवर है वो पेड है, उसके बाद जो मैजिक इरेजर है वो भी पेड है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे मैजिक एडिट तो ये आप देख सकते हो ये बीटा वर्जन में, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है वो आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे आप तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल, उसके बाद आपको एक और मिलेगा इफेक्ट। तो आप देख सकते हो टूल हमारे पास खुले हुए हैं, उसके बाद हमें इफेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इसमें ब्लर कर सकते हैं, ऑटो फोकस कर सकते हैं अपनी फोटो को, लेकिन हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, एआई रिप्लेस की तरफ। तो अब मैं जाऊँगा टूल पे, उसके बाद आपको क्या करना है मैजिक एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से अब आप देख सकते हो मैंने इस तरह से यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ को चेंज करना है, ठीक है, जिस भी चीज़ को आपको यहाँ पे चेंज करना है, रिप्लेस करना है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ब्रश कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो गाइस आपको अपनी इस तरीके से जूम कर लेनी है, उसके बाद आपको उसको ब्रश कर लेना है। अब अगर आप देखेंगे नीचे आपको ब्रश का साइज मिल जाएगा तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको पहले ब्रश कर लूँगा। तो वही जिस तरह से मैंने इसको पेंट कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, ठीक है। तो सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट यू वांट टू मतलब जनरेट, क्या करना चाहते हो यहाँ पे, आप किस तरह का यहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, जिस एरिया को आपको आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको क्या डालना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अभी टी शर्ट को किया है, आप यहाँ पे चेन कर सकते हो, आप मतलब घड़ी वॉच वगैरह कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज अभी हमें अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा ए स्टाइलिश जैकेट, ठीक है, इस तरह से जैकेट लिख देते हैं, देखते हैं किस तरह का हमें ये रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, उसके बाद मैं जनरेट पे क्लिकूंगा। हम यहाँ पे कुछ और भी ट्राई करने वाले हैं तो मैं सिर्फ जनरेट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो कितनी रियलिस्टिक इन्होंने हमारी जैकेट दे दी है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रही है और बहुत ही रियलिस्टिक। आप बता भी नहीं सकते हो कि ये फेक है या आपने एडिट करके रखी है, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को। और आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि ये, उसके बाद आपको ये मिलता है, उसके बाद आपको एक ये मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने के लिए मिली गए। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, तो अभी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा बैक और यहाँ पे मैं दूसरी फोटो ही सेलेक्ट कर लेता। हम क्या करेंगे, अपने बालों को चेंज करके देखते हैं ना। तो मैं बालों पर ब्रश कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए लॉन्ग स्टाइलिश हेयर। तो आप देखते हैं कि ये किस तरह के हमें यहाँ पे जनरेट करके देता है। तो सिंपल करूँगा जनरेट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने हमें बालों का लुक बना के दे दिया है, शॉर्ट हेयर को लॉन्ग कर दिया। इस तरह से आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। देख सकते हो आप, स्टाइलिश बाल अगर आपको लेने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। गाइस करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कमेंट करके बताओ और ये टूल आपको कैसा लगा फटाफट नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से, नाम है इसका कैनवा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाओ, उसके बाद आपको वहाँ पर लिखना है कैनवा, उसके बाद सिंपल उसको डाउनलोड करो और यूज़ करो। चलिए फिर आप रिप्लाई करते रहिए, हम मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।